हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने तीन शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यह है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ। मैंने HDFC बैंक में ट्रेड लेने के लिए बोला था और वहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट का SL था और इससे हमने 20 पॉइंट के लगभग ट्रेड किया और 20 पॉइंट का गेन हमने इसमें बुक किया है। और ये HDFC का मेरा ट्रेड था, वो भी मैंने डाल दिया है आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, मेरा कोई और एम नहीं था। और साथ साथ में मैं अपडेट भी करते जा रहा था क्या कर रहा हूँ मैं। विद इन 20 मिनट मैंने कुछ पार्ट प्रॉफिट बुक कर लिया था, उसके बाद में मैं बुक करता चला गया 10-10 क्वांटिटी और लास्ट में मुझे जहाँ लगा कि टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे मैंने पूरी क्वांटिटी बुक कर ली थी अपनी और मैंने आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था। ये मैंने एक एडवाइस भी दी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है। आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो एक ही स्टॉक में बार बार ट्रेड नहीं करें, स्टॉक में एंट्री करें और एग्जिट कर जाएं, उसके बाद में उसे बाद में अगर आप वापस एंट्री करेंगे तो बाद में आप लॉस लेके ही निकलेंगे उससे। यह निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख लेते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ। निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी है, उसके बाद में बहुत ही अच्छी अप मूव इसमें रही है, पूरे दिन भर एक ऊपर के दायरे में ही काम करता रहा। फिर उसके बाद में एक बहुत ही शानदार इसमें डाउन मूव आई और इसने अपनी पूरी तेजी को गंवा दिया। लेते हैं निफ्टी का मेरा कल का व्यू। निफ्टी का मेरा व्यू अब बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, 11,905 के लेवल का SL आप लगा सकते हैं। कल हो सकता है निफ्टी 11,870 के आसपास आपको एक एंट्री का फिर से मौका दे, जहां पे आपका SL मात्र 30 या 40 पॉइंट के आसपास रहेगा, तो आप 11,910 के SL के साथ में इसमें खेल सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको जो लेवल ध्यान रखने हैं वो है 11,910, ये आपका SL रहेगा और जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो रहेगा 11,870-860 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आपको मौका मिले तो 40 पॉइंट का आपका SL रहेगा और पूरी की पूरी चाल आपको खेलने के लिए मिल सकती है। यह बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद में ऊपर ही ऊपर चलता चला गया, इसके बाद में एक शानदार डाउन मूव आई और इसने अपनी पूरी की पूरी तेजी को गंवा दिया, इंट्राडे तेजी को कह सकते हैं गंवा दिया। और ये जो लेवल है वो आप लोगों को बिल्कुल बता देता हूँ, अगर मैंने आपने मेरे वीडियो पहले भी देखे होंगे तो आपको मालूम होगा 23,388, मतलब ये जो इस पूरी डाउन मूव का 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल था। तो यहाँ पे इसे अच्छा रेजिस्टेंस मिला है, अगर ये इसके नीचे कंटिन्यू रहता है बैंक निफ्टी तो इसमें फिर से एक बहुत ज़्यादा कमजोरी आ सकती है। तो इसमें भी आप नेगेटिव पोजीशन बना सकते हैं और इसमें जो आपका SL रहेगा वो आज का हाई रहेगा जो कि 23,400 या 420 के आसपास रहेगा। तो उस SL के साथ में आप एक अच्छा एंट्री पॉइंट इसके आसपास ढूंढ सकते हैं और एंट्री करने के बाद में आप इसे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 100 या 120 पॉइंट का आपका SL रहेगा। 8 अक्टूबर की हमारे पहले रिकमेंडेशन थी SCLTech को बाय करना था मार्केट रेट पे, इसका SL था 824, इसने हमारे थर्ड टारगेट को अचीव किया है, 879 का इसने हाई लगाया है। और मैंने कल चार्ट दिखाते हुए कह भी दिया था अगर ये गैप अप ओपन होता है और बहुत ऊपर ओपन होता है तो भी आपको खरीदना है क्योंकि इसमें हाई जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। HCLTech में मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश था और 2-3 दिन से कंटिन्यूस मैं इसे रिकमेंड किए जा रहा था। इसमें मैंने स्विंग ट्रेड भी बनाया था और वो जो ट्रेड मैंने लिया था वो आप लोगों के साथ मैंने फाइनली शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पे। यह HCLTech का 5 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई और मैंने कहा भी था कि गैप अप ओपन हो, कहीं पे भी ओपन हो, आपको बाय करना है, उसके बाद में आपका SL 1.5% का रहना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे भी आपने बाय किया होता 1.5%, इसने डाउन मूव दी ही नहीं कहीं पे और ये ऊपर ही ऊपर चलता चला गया और बहुत ही शानदार इसने अप मूव दी, बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग गई और ये नीचे आ गया। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी जील, जील को हमें सेल करना था और इसने आज हमारे SL के पास ही ओपनिंग दी और उसके बाद में ये नीचे आया, लेकिन हमारे SL को हिट करने के बाद में आया, इसका चार्ट हम नहीं देखेंगे। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी SRT Finance ने भी हमारे SL को हिट किया है, इसका भी चार्ट हम लोग नहीं देखेंगे। 9 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन है जील, जील को हम फिर सेल करेंगे मार्केट रेट पे, इसका SL रहेगा 212 और इसके टारगेट रहेंगे 202-198-193। आप कृपया ध्यान दें कि इसमें SL मैंने काफ़ी हाई रखा है, अगर ये नीचे ओपन होता है तो आपको SL उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है। अभी ये 3% का SL है, जनरली मैं इतना हाई SL देता नहीं हूँ,
लेकिन इसमें मेरा कन्विक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए मैं इसे इसका एसएल बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। और इसमें ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, अप और डाउन मूव बहुत ज़्यादा करता है। जहाँ पे अगर ये ओपन हो और नीचे की तरफ जाना शुरू करे तो आप इसका एसएल अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, 1% या 1.5% के आसपास रख सकते हैं। इसमें आप क्वांटिटी अपनी बहुत ही कम रखें क्योंकि इसका एसएल बहुत ही ज़्यादा है। इसका चार्ट हम नहीं देखेंगे क्योंकि कल इसका चार्ट हम देख चुके हैं। और फिर से मेरा फेवरेट स्टॉक आ चुका है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को हम फिर से सेल करेंगे 175 से 176 के लेवल पे। इसका एसएल रहेगा 180 और इसके टारगेट रहेंगे 172, 169 एंड 162। यह आरबीएल बैंक का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी अप मूव इसमें पहले रही है, उसके बाद में ये डाउन मूव इसने कंटिन्यू की है और अब ये डाउन मूव कंटिन्यू करता रह सकता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये एक स्टॉक ऐसा स्टॉक है जिसे हर वक्त जब भी ये अपना सर उठाएगा इसे पीट दिया जाएगा। तो इसने यहाँ पे सर उठा लिया है, यहाँ पे अब इसने पीटने की बारी है, अभी इसे पीटा जाएगा। हो सकता है ये बहुत ही बुरी तरह गिरना अपना स्टार्ट कर दे। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है सिप्ला। सिप्ला को हम बाय करेंगे मार्केट रेट पे। इसका असल रहेगा 978, इसके टारगेट रहेंगे 819, 829, 848। यह है सिप्ला का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी अप मूव इसमें आई हुई है, फिर इसने कंसोलिडेशन किया है और फिर ये अगेन एक अप मूव के लिए रेडी है। अभी फार्मा सेक्टर पूरा का पूरा अच्छे से अप मूव के लिए रेडी हो चुका है। हो सकता है सिप्ला इसकी शुरुआत कर दे, तो आप लोग जरूर इसे अपने वॉच लिस्ट में रखें और कोशिश करें कि इसे मॉर्निंग में ही खरीद दिया जाए। एसएल आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, एसएल 1.5% से ज्यादा का नहीं रखेंगे, 1.5% मैक्सिमम आपको लॉस बुक करके निकल जाना है। और बार बार एंट्री और एग्जिट की कोशिश ना करें। एक स्टॉक में जहां पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया फिर एंट्री करें, फिर एग्जिट करें, फिर एंट्री करें, ऐसा नहीं करना है आपको। अब जान लेते हैं हमारे स्विंग ट्रेड के बारे में। स्विंग ट्रेड है हमारा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट अब हर दिन नए नए हाई लगाए जा रहा है, बहुत ही स्पीड से ऊपर जा रहा है। इसने बहुत ही अच्छा हमें रिवार्ड दिया है, देख लेते हैं एक्सेल शीट में इसे। ये हमारा बर्जर पेंट का एक्सेल शीट और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा प्रॉफिट हमें मिल रहा है, लगभग 8,000 का प्रॉफिट मिल रहा है हमें इसमें। हमने इसमें 43,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। हमने इसमें ट्रेड इस तरह से किया है कि हमने कॉल बाय की है 600 की और इसमें हमें 13,000 का प्रॉफिट हो रहा है और हमने 640 की कॉल को शॉर्ट किया है जिसमें हमें 5,000 का लॉस हो रहा है। ओवरऑल हमें 8,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। अभी जो आपको एसएल रखना है वो 4,000 का एसएल रखना है। 616 की वैल्यू इसकी चल रही है। ये लगभग हर दिन अपना नया हाई लगाए जा रहा है। जिस दिन से ये अच्छा प्रॉफिट देने लगा है उस दिन से ये नए नए हाई पे अपने पहुंचते जा रहा है। बहुत ही शानदार स्विंग ट्रेड रहा है। इससे पहले हमने डॉक्टर रेड्डी रिकमेंड किया था, वो भी बहुत शानदार चला, और कॉनकोर भी हमने रिकमेंड किया था सेल के साइड में, वो भी बहुत ही शानदार चला है।